शहर के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ योजनाओं की जानकारी देने शुक्रवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर निगम आयुक्त ने सारी तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया है। दुर्ग नगर पालिक निगम अंतर्गत शहर के प्रत्येक नागरिक को सरकार की हर एक योजना की जानकारी देने के साथ ही इसका लाभ शहर के आम लोगों तक पहुंचाने 15 दिसंबर शुक्रवार को नगर निगम द्वारा शहर के हर वार्ड में संकल्प यात्रा निकाल अभियान चलाने जा रहा है, जिसके चलते वार्ड-वार वार्ड में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें। गौरतलब है कि 6 दिनों तक चलाई जा रही इस यात्रा में नगर निगम दुर्ग के अधिकारी और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारी निभाने निर्देशित भी किया गया है। इसी कड़ी में कल बोरसी प्रगति मैदान में इसकी शुरुआत की जाएगी। साथ ही प्रत्येक अलग अलग दिन गंज मंडी और मठपारा कबड्डी मैदान, पुलगांव बस्ती सामुदायिक भवन एवं कातुलबाऊ चौक, शासकीय स्कूल शक्ति नगर तालाब के पास एवं चंद्रशेखर स्कूल नया पारा गोवर्धन चौक, स्कूल उरला एवं बांस पारा दुर्गा चौक, दशहरा मैदान पोटिया कला एवं बैगा पारा मिनी स्टेडियम में शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत यह यात्रा दिसंबर में दुर्ग पहुंचेगी। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर तैयारी के संबंध में नगर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने अधिकारियों के साथ बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा नगर निगम क्षेत्रों में कल से चालू हो रही है। तो सबसे पहले दुर्ग नगर निगम से चालू होगी, जो आगे चल के भिलाई, रिसाली और अन्य निगमों में जाएगी। कल हम लोग 15 तारीख को बोरसी के प्रगति मैदान से इस कार्यक्रम का आयोजन कर प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें सेंट्रल की जितनी स्कीम्स हैं, लगभग 19 प्रकार की स्कीम्स हैं, उसके बारे में प्रचार प्रसार किया जाएगा, लोगों को जानकारी दी जाएगी। और ऐसे लोग जो इसके लाभ से वंचित हैं, उन लोगों का आवेदन पत्र भी वहाँ पर भरवाया जाएगा, और जिनको यथावत उसी समय लाभ दिया जा सकता है, उनको लाभान्वित करने का भी प्रयास किया जाएगा। साथ ही इसमें स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन होगा, और जिनको भी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, उसका वो वहाँ पे लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड के बनाने का भी वहाँ पे स्टॉल लगाया जाएगा, और ऐसे लोग जिनके आधार अपडेशन नहीं हुए हैं, उनके लिए भी वहाँ पे स्टॉल लगाए जाएंगे। तो हमारी यही अपील है कि जनता ज़्यादा से ज़्यादा इन शिविरों में आए। नगर निगम के हम लोग 11 जगह हमने चयनित किया है, वहाँ पे लगातार 5 से 6 दिन ये शिविर चलेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।